Religion Outlook. आसा महला पंचमा। नौ निद तेरा सगल निदान, इच्छा पूरक रखै निदान। हे प्रभु, तेरे घर विच जगत दियां नौ ही निधियां मौजूद हन, सारे खजाने मौजूद हन। तू ऐसा इच्छा पूरक है जो हरेक जीव दी इच्छा पूरी करन दी समर्था रखता है। अंत वेले तू ही है जो जीव दी राखी करता है। जदों मनुख बाकी दे सारे वसीले कर चुकया हुंदा है ते उदियां समस्यावां दा हल फिर भी नहीं हुंदा, फिर परमात्मा दा आसरा तकदा है। फिर परमात्मा ही उस जीव दी रख्या करदा है, उनूं हौसला बख्शदा है। तू मेरो प्यारो तां कैसी भूखा, तू मन वसिया लगा ना दुखा। रहाओ हे प्रभु, जदों तू मेरे नाल प्यार करन वाला है, मैनू सब कुछ देण वाला है, तां मैनू कोई तृष्णा नहीं रह सकती। फिर मैनू कैसी भुख, जदों तू मेरे मन विच टिक्या रहे तां फिर मैनू किहड़ा दुख, कोई दुख भी मैनू पो नहीं सकता। जो तू करै सोई प्रवान, साचे साहिब तेरा सच फुरमान। हे प्रभु, जो कुछ तू करता है जीवां नू उही सिर मत्थे कबूल हुंदा है। तेरी मर्जी दे अगे जीव अपनी मर्जी नहीं चला सकता। हे सदा कायम रहन वाले मालक, तेरा हुक्म ही अटल है। जा तुद भावै तां हर गुण गाओ, तेरा कर सदा सदा है न्याओ। हे प्रभु, जदों तैनूं मंजूर हुंदा है तदों ही मैं तेरी सिफत सलाह दे गीत गा सकदा हाँ। तेरे गुण मैं ताई गा सकदा जे तू चाहे कि मैं गावां। तेरे घर विच सदा ही इंसाफ है, सदा ही इंसाफ है। सच्चे साहिब अलख अपेव, नानक लाया लागा सेव। हे नानक आख, हे सदा कायम रहन वाले मालक, हे अलख ते अपेव परमात्मा, तेरा प्रेरिया होया जीव ही तेरी सेवा भगती दे विच लग सकता है। कोई भी जीव तद तक परमात्मा दी भगती दे विच नहीं लगता जद तक खुद परमात्मा उस जीव ते मेहर ना करे, जद तक खुद परमात्मा उस जीव नू प्रेरणा ना देवे। आसा महला पंजमा। निकट जी कै सद ही संगा, कुदरत वरतै रूप अर रंगा। हे भाई, परमात्मा सब जीवां दे नेड़े वसदा है, सदा ही सबना दे अंग संग रहिंदा है। उसे दी ही कला सब रूपां विच सब रंगां विच वरत रही है। करै ना झूरै ना मन रोवन हारा, अविनाशी अविगत अगोचर सदा सलामत खसम हमारा। रहाओ हे भाई, जिस मनुख नू ए निश्चा हो जांदा है कि अविनाशी अदृष्ट ते अपहुंच परमात्मा साडे सिर उत्ते सदा कायम रहन वाला खसम है, उसका मन कदे खिजदा नहीं, वह इंसान कदे झूरदा नहीं ते कदे किसे दे नाल गिले शिकवे नहीं करता। तेरे दासरे कहो किसकी कान, जिसकी मीरा राखा आ। हे प्रभु, जिस सेवक की इज्जत तू आप रखता है, तेरे उस निक्के जहे सेवक नू होर किसी की मुथाजी नहीं हो सकती। जो लौडा प्रभ किया अजात, तिस लौडे को किसकी तात। तात तो भाव ईरखा। हे भाई, जिस सेवक नू परमात्मा ने उच्ची जात आदक दे हंकार तो खुद ही रहत कर दिता, उसनू किसी की ईरखा का डर नहीं हुंदा। वे मोहताजा वे परवाहो, नानक दास कहो गुरवाहो। हे दास नानक आख, हे भाई, उस सब तो वड्डे परमात्मा नू ही धन धन आखते रहो जो बेपरवाह है ते जिसनू किसी की मुथाजी नहीं। बेपरवाह तो भावे ने कि परमात्मा नू जीवां दी फिक्र ही नहीं, उन्हों फिक्र है, वह सारे ही जीवां दा ख्याल रखता है पर परवाह नहीं करता, फिक्रमंद नहीं हुंदा। जे कोई समस्या है समस्या दा हल करेगा पर फिक्रमंद नहीं होएगा, झूरेगा चिंता दे विच नहीं करेगा।
लापरवाह ते बेपरवाह दे विच फर्क हुंदा है। इह असीं फर्क समझिए, अपने जीवन दे विच असीं बेपरवाह हो जाइए पर कदे लापरवाह ना होइए। असा महला पंजवां, हर रस छोड़ होछै रस माता, करम है वस्त बाहर उठ जाता। विकारां दे हेठ दबिया होया मनुख परमात्मा दा नाम रस छड के दुनिया दे पदार्थां दे रसां दे विच मस्त हुंदा रहिंदा है। वह रस जिहड़े होछे ने, जिहड़े सदा कायम रहण वाले नहीं ने, जिन्हां दा स्वाद छेती ही मुक जाता है, उन्हां रसां वल मनुख दौड़दा रहिंदा है। जिहड़ा स्थाई रस है उहदे अंदर वसदा है, करम है वसत, परमात्मा दा नाम ते साडे हिरदे घर विच मौजूद है, उहनूं छड के बाहर उठ जाता, बाहर भटकदा फिरदा है होर होर पदार्थां दे रसां दी खातर। सुनी ना जाई सच अमृत काथा, रार करत झूठी लग गाथा रहाओ। विकारां दे हेठ दबिया होया मनुख सदा थिर परमात्मा दा नाम सुनना पसंद नहीं करता, आत्मक जीवन देण वालियां सिफत सलाह दियां गल्लां सुननियां पसंद नहीं करता, पर झूठियां कथा कहानियां दे पिछे लग के झगड़ा बखेड़ा करन दे लई तत्पर रहिंदा है। रार करत भाव झगड़ा करता। वजो साहिब का सेव बिरानी, ऐसे गुनहा अशात्यो प्राणी। वजो तो भाव तनखा वजीफा, वजो साहिब का तनखा साहिब तो लैनी, परमात्मा तो लैनी, सेव बिरानी ते सेवा माया दी करनी। विकारां हेठ दबिया मनुख खांदा मालक दा दित्ता होया है, सेवा बिगानी करता है। ऐसे गुनहा अशात्यो प्राणी, इस प्रकार के गुनाहां दे नाल जीव ढकिया होया है। तिससियो लूक जो सद ही संगी, काम ना आवै सो फिर मंगी। जीव इन्ना कु बेवकूफ है असल दे विच के ओ परमात्मा तो ही ओला करदा है, उस परमात्मा तो जिहड़ा सदा उहदा संगी है, साथी है, जो सदा उहदे नाल रहिंदा है, उहदे तो ही ओला करन दीआं कोशिशां करदा रहिंदा है। दूजी गल, जिहड़ी चीज़ आखिर उहदे कम भी नहीं आउणी उही चीज़ उह मुड़ मुड़ मंगदा रहिंदा है। काम ना आवै सो फिर मंगी। कौ नानक प्रभ दीन दयाला, ज्यों भावै त्यों कर प्रतपाला। हे नानक आख के हे दीना उत्ते दया करन वाले प्रभु, जिमें हो सके विकारां अते माया दे मोह दे दबाव तों जीवां दी राखी कर। आसा महला पंजवां, जी प्राण धन हर को नाम, ईहा ऊहा उन संग काम। हे भाई, जिंद वास्ते प्राणा वास्ते परमात्मा दा नाम ही असली धन है। ये धन ही है जो लोक ते परलोक दोहां दे विच ही साडे प्राणा दे कम आउंदा है। बिन हर नाम अवर सब थोरा, तृप्त अकाबै हर दर्शन मन मोरा रहाओ। परमात्मा दे नाम तो बिना होर सारा ही धन पदार्थ घाटे बंदा है। हे भाई, मेरा मन परमात्मा दे दर्शन दी बरकत नाल दुनिया दे धन पदार्थ वल्लों रज गया है। भगत भंडार गुरबाणी लाल, गावत सुनत कमावत निहाल। परमात्मा दी भगती सतगुरु दी बाणी मानो लाला दे खजाने हन। गुरबाणी गांदियां सुनदियां कमांदियां असी निहाल होए रहिंदे हां, साडा मन सदा ही खिड़िया रहिंदा है। गुरबाणी कमाउण तो भाव अपने जीवन दे विच गुरबाणी दीआं सिक्ख्यावां नूं लागू कर लेना, अपने जीवन नूं गुरबाणी दे अनुसार ढाल लेना। चरण कमल स्यो लागो मान, सतगुर तुठै कीनो दान। दयावान होए सतगुरु ने जिस मनुख नूं परमात्मा दे नाम धन दी दात दित्ती, उसदा मन परमात्मा दे सोहणे चरणां नाल जुड़ गया। नानक कौ गुर दीखिया दीन, प्रभ अविनाशी घट घट चीन। हे नानक, जिस मनुख नूं गुरु ने सिख्या दित्ती उसने अविनाशी परमात्मा नूं घट घट दे विच वसदा होया वेख लिया, हिरदे हिरदे दे विच वसदा होया वेख लिया। आसा महला पंजवां, आनंद बिनोद भरे पुर धारिया, अपना कारज आप सवारिया। जगत दे सारे ही कौतक तमाशे उस सर्व व्यापक परमात्मा दे रचे हुए हन। अपने रचे हुए संसार नूं उसने आप ही इन्हां कौतक तमाशियां दे नाल
सोना बनाया है। पूर समग्री पूरे ठाकुर की, भरपुर धार रही शोभ जाकी रहाओ। जिस परमात्मा की शोभा वड्याई सारे संसार विच हर थां खिलर रही है, ये सारे जगत पदार्थ उस अपुल परमात्मा दे ही बनाए हुए हैं। नाम निदान जाकी निर्मल सोए, आपे करता अवर ना कोई। हे भाई, जगत दे सारे जी जंत उस परमात्मा दे हाथ विच हैं। परमात्मा की कीती हुई सिफत सलाह सारे ही जीवां नू पवित्र जीवन वाला बना देती है। जीवां नू पैदा करन वाला परमात्मा आप ही है, उदे बराबर दा होर कोई नहीं। जी जंत सब ताकै हाथ पैदा ते कर लिया, जीवां दी रखिया करनी, उन्हां दा पालन पोषण करना भी परमात्मा दे हाथ विच है। रब रहिया प्रभ सब कै साथ, वो परमात्मा सब थाई बस रहा, हरेक जीव दे अंग संग वसदा। पूरा गुर पूरी बणत बनाई, नानक भगत मिली वड्याई। हे नानक, परमात्मा सब तो वड्डा है, उस विच कोई उकाई नहीं। उसकी बनाई हुई रचना भी उकाईहीन है, उसकी रचना दे विच भी कोई कमी नहीं। परमात्मा की भगती करन वालियां नू लोक परलोक दे विच आदर मिलता है। अज दे अंग की बाणी परमात्मा की सिफत सलाह दे नाल भरपूर सी, परमात्मा की वड्याई दे नाल भरपूर सी। गुरु साहब ने बार बार अज की बाणी दे राही सानू ये गल चेते करवाई है कि परमात्मा आप ही सारे जीवां नू सारी सृष्टि नू रचन वाला है, आप ही अपनी बनाई हुई सृष्टि की पालन पोषणा करन वाला है। परमात्मा सारे ही जीवां दे अंग संग वसदा है, हरेक हिरदे दे विच उस परमात्मा दा वास है। सानू गुरु दी लोड़ है जो सानू घट घट दे विच वसदे होए परमात्मा दा दर्शन करवा सके, ते उस परमात्मा दी ही मेहर है कि साढ़े पास गुरु ग्रंथ साहिब जी दे रूप दे विच इलाही गुरु मौजूद है। गुरु दे विच लिखी हुई बाणी जदों असी पढ़ते हाँ, सुनते हाँ, गाते हाँ, बाणी नू जदों असी अपने जीवन दा अनिखड़मा अंग बना लेंदे हाँ, अपने जीवन नू जदों असी गुरबाणी दे अनुसार ढाल लेंदे हाँ, गुरबाणी नू अपने जीवन दे विच असी कमा लेंदे हाँ, तां सानू हर थां परमात्मा प्रतख नज़र आउंदा है। उम्मीद करते हाँ गुरु की बाणी दे नाल जुड़ के ये सब कुछ तुसी अपने जीवन दे विच महसूस कर पा रहे होवोगे, ताकि होर लोग भी इस अवस्था का निग माण सकन, गुरु की गोद का निग माण सकन। गुरु की बाणी नू शेयर करते रहा करो, लोगों नू प्रेरणा देने की कोशिश करते रहा करो। इत्थे ही फतेह कबूल करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।